हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो CFNPI का कंसेप्ट है उसके अंदर आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम कैसे निकालते हैं और अलग अलग 4 से 5 केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसके जो मेथड्स है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस पर बेस्ड तो आप आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें इससे पहले मेरे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वीडियोज है वो आप IIT पे जाके देख सकते हैं। और सुनमें इससे पहले जो एक सीरीज है डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी बना चुका हूं, अगर वो भी आप देखना चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मेरा जो ये वीडियो था CFNPI का अभी तक लाइक 1.1 मिलियन इस पे व्यूज हो चुके हैं, काफी स्टूडेंट ने प्यार किया है और काफी अच्छा सपोर्ट आपको मुझे वहां पे मिला है। तो इसमें वही कंसेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आने वाला हूँ पर थोड़ा सा मतलब उसको और मतलब एलोबरेट करते हुए, राइट। सो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, दैट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, मतलब ये है कि इसके जो डेरिवेटिव है ना उसके कॉफिशियंट यहाँ पे क्या होने चाहिए स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट होने चाहिए, राइट। और अगर जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखी है d4y / dx4 प्लस यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 3d2y / dx2 एंड माइनस का dy/dx प्लस y = 0, मान लीजिए इक्वेशन है तो आप देख रहे हो इसके जो जितने भी डेरिवेटिव्स उसका कॉफिशियन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट कॉफिशियन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसका जो CF होता है ना, देखो इस पार्ट का जो आंसर होता है वो CF होता है और यहाँ पे अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे e^x आ गया, राइट, तो फिर हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे CF, इस पार्ट का आंसर हम CF निकालेंगे, इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा PI आएगा, एंड देन फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा हमारे पास CFNPI होता है, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि CF लिखते क्या और CF होता क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, फिर इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं और उसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है dNy प्लस a1 dn-1y प्लस a2 dn-2y, ऐसे हमारे पास यहाँ पे प्लस a n y = 0, राइट, है ना। चाहो तो y बाहर निकाल दीजिए, जहां पर भी d है वहां पे हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं dn प्लस a1 dn-1 प्लस यहाँ पे इस तरह से ये a n और y बाहर निकाल लीजिए, राइट। एंड स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या करते हैं, जहां पर भी d हो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, स्टूडेंट एक्सिलरी इक्वेशन जहां पर d वहां पे हम क्या रख देते हैं, ये m हो जाता है, तो m^n प्लस a1 m^n-1 इस तरह से यहाँ पे ये --an = 0, ये हमारे पास एक्सिलरी, स्टूडेंट यहाँ पे बीच में --- है, राइट, प्लीज यहाँ बीच में --, है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आता है सुन, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आती है। अब हम क्या करते हैं सुन, इस एक्सिलरी इक्वेशन का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं, राइट, और रूट निकाल के फिर हम यहाँ पे इसका CF लिखते हैं। इसमें आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, एक केस लूंगा, उस केस के बाद कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो केस देखिए इसमें यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, जहां पर उसके जो रूट है वो डिस्टिंक्ट है, क्या दे रखे हैं इसमें, डिस्टिंक्ट उसके रूट है, राइट, एंड अलग अलग मतलब रियल रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, तो उस वाले केस में जो भी हमारे पास α1 α2 α3 होता है ये सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाता है, इसमें पावर में आ जाता है और इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं सुन यार, ठीक है, देखिए सुन, अगर हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है d2y / dx2 - y = 0, राइट, हम जानते क्या लिखेंगे सुनिए, आएगा m²-1, जहां पर भी d है वहां पे हम m रख देते हैं, राइट, है ना। एक्चुअली आप इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो यार आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर जहां पर भी d है वहां पे m रख देते हैं। अब सुन m की वैल्यू निकालते, तो आप देख रहे हो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, +-1, राइट। अब दो रूट आए, मतलब रूट दो आए, एक तो आया 1 एंड एक आया -1, सुनिए m1 m2 है, राइट, या α1 α2, राइट, यहाँ पे α1 α2 लिखा, राइट। तो इसका जो CF आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, c1 e^x, है ना, 1x α1x, राइट, तो α1 1 है एंड c2 e^-α2x, राइट, α2 पर 1 माइनस है तो ये -x आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब ये होता है कि यार ये और ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास e^x, अगर मैं बोलूं यहाँ पे u = e^x एंड v = e^-1, देखो आंसर आ गया है पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, राइट, तो आप देखोगे सुन ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। आप देखो दो बार डिफरेंशिएट करके यहाँ रखो, है ना, ये इसको y1 y2 ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। तो यार y1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट, देखो करके देखो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो ये y1 एक बार करोगे तो हमारे पास e^x ही आएगा, राइट, एंड जब दूसरी बार करोगे तो यार ये भी हमारे पास क्या आएगा सुन,
ई की पावर एक से आएगा, और जब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, आप देख रहे हो जीरो कर रहा है। इसी टाइप से वाई टू है, सुन इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पे, है ना। तो यार हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस आएगा। जब इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें ये आएगा माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखो, देखो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सुन दो फंक्शन हमारे पास, ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास सी एफ होता है। सुन दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, सी वन के साथ हमने ई की पावर एक्स लिख दिया, सी टू के साथ ई की पावर माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। अगर बाई चांस तीसरा कोई फंक्शन और इसको सेटिस्फाई करता, मान लीजिए ई की पावर टू एक्स और सेटिस्फाई कर रहा होता बाई चांस, तो उस वाले केस में हमारे पास ये क्या आ जाता, सी थ्री की पावर थ्री एक्स आ जाता, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, जो जो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको कॉन्स्टेंट के साथ प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सुन ये तो एक कंसेप्ट है, पर हमारे पास यहाँ पे इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा कोई भी इक्वेशन देखिए। तो सुन यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास डी क्यू प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी प्लस का सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सुन जहाँ पर भी डी है वहाँ पे एम रख देंगे, तो एम क्यू प्लस सिक्स एम स्क्वायर प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आप देखोगे सुन जब इसके फैक्टर करोगे आप, तो सुन इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे एम प्लस वन एम प्लस टू एंड एम प्लस थ्री आएगा, राइट। अगर आपको कैसे फैक्टर करना है, इसके एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने यूट्यूब नए वाले चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आईटी पे जाके देख लीजिए कैसे इसके टाइप के इक्वेशंस को हम फैक्टर करते हैं, राइट। इसमें एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री आएगा। इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा हमारे पास सी वन ई की पावर माइनस एक्स, सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स एंड सी थ्री ई की पावर माइनस थ्री आएगा। इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इसका आंसर है, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है डी पावर फोर प्लस टू डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। तो सुन क्या करना है आपको, यहाँ पे जहाँ पर भी डी है वहाँ पे एम रख दीजिए, ये आएगा हमारे पास टू एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस का फोर। पर आपको बताना चाहता हूँ सुन कि जब भी हमारे पास यहाँ पे रूट रिपीट करता है, क्लियर है। देखो आप यहाँ पे हमारे पास रूट रिपीट कर रहे हैं, क्लियर है। अगर बाई चांस हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है एम और यार उसके हमारे पास रूट क्या आ जाए, सुन टू टू थ्री आ जाए, राइट, बाई चांस ऐसा आ जाए, तो उस वाले केस में सी एफ क्या होता है, सुन ये रूल ये बता रहा है कि उस वाले केस में हमारे पास जो सी एफ होगा वो आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स हो जाएगा प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री एक्स हो जाएगा। सुन ये इसका क्या हो जाएगा, सी एफ होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए हमारे पास तीन बार रिपीट कर गए, राइट, टू 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 तीन बार आ रहा, तो उस वाले केस में हमारे पास जो सी एफ होगा वो क्या आएगा, सुन सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, यह आएगा हमारे पास ई की पावर टू एक्स होगा। तो जितनी बार फंक्शन जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस 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 है तो यार ये माइनस आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सुन देखिए यहाँ पे जब इसके आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पे आप देखो वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो। सुन क्या करेंगे, अगर वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखो एम इज इक्वल टू वन इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करेंगे, एम माइनस वन तीन बार लिख दी, मतलब चार बार लिखना पड़ेगा बिकॉज ये हमारे पास क्या है, फोर डिग्री। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे, अगर बाई चांस कभी आपको रूट निकालना नहीं आता है, सुन यहाँ पे अगर ये एम पावर फोर है तो हम क्या करेंगे, सुन एम क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हो एम पावर फोर आ रहा है। जब एम क्यूब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस का एम क्यूब, पर हमारे पास यहाँ तो प्लस का टू एम क्यूब चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस का थ्री एम क्यूब चाहिए, है ना, तभी हमारे पास आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास थ्री एम हो जाएगा, राइट। इसमें जब ये थ्री एम माइनस वन से थ्री एम स्क्वायर सॉरी इसमें थ्री एम स्क्वायर जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का थ्री एम स्क्वायर तो वैसे भी आ रहा है हमारे पास, राइट, तो ये चाहिए नहीं। इसमें ये माइनस का फोर हो जाएगा, मतलब ये लास्ट वाला फैक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। आप देखोगे सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, जब एम माइनस वन कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ये आएगा हमारे पास एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस का फोर हो जाएगा। इसमें आप चेक करोगे एम इज इक्वल टू वन, फिर इसको जीरो कर रहा है, तो जब एम इज इक्वल टू वन इसको जीरो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन एम माइनस वन इसका एक और फैक्टर हो जाएगा, तो ये एम माइनस वन तो बाहर रहने दीजिए, इसमें क्या करिए, सुन एम माइनस वन को तीन बार लिखिए क्योंकि क्यूब है ना, तीन बार लिखेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना, प्रोसेस है ये। सुन यहाँ पे हम क्या रखेंगे इसको करें, तो आप देखो इसको एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एम क्यूब आ रहा है, इसमें एम स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का एम स्क्वायर आएगा, राइट। पर हमें तो यहाँ पे थ्री एम स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे फोर एम स्क्वायर चाहिए, राइट, तभी हमारे पास काम होगा। सुन किससे मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस का फोर एम से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस का फोर एम स्क्वायर आ गया, सॉरी प्लस का फोर एम स्क्वायर चाहिए, तभी तो हमारे पास प्लस का थ्री एम स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस फोर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो आप देख रहे हो प्लस फोर एम जब इस माइनस वन से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का फोर एम चाहिए, पर माइनस का फोर एम तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या करेंगे, हम प्लस का फोर करेंगे। तो आप देखो प्लस फोर एम से माइनस फोर एम कैंसिल हो गया, माइनस का फोर आ गया, मतलब परफेक्ट हो गया। आप देखो एम माइनस वन वापस क्या आ रहा है, स्टूडेंट कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्लियर है।
तो यहाँ पे आप क्या करो, इसमें एम माइनस वन यहाँ अंदर की तरफ से कॉमन आइसको ये लिख दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसमें इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं ये तो हमारे पास क्या होता है, इसमें एम प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हमारे पास जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ है ना, जब हमारे पास रूट आएंगे तो रूट हमारे पास क्या आएंगे, इसमें यहाँ पर एम की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यार एम की वैल्यू हमारे पास आ रही वन वन एंड टू एंड टू आ रहा, तो इसका जो सी एफ आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू आई थिंक ये आ रहा माइनस टू सॉरी है ना, तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस यहाँ देखेंगे आप तो सी थ्री प्लस सी फोर एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा राइट। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा इसका सी एफ होगा, इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे सुन जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आता था हम क्या करते हैं, सुन अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रही है जिसके रूट हमारे पास टू प्लस माइनस थ्री आयोटा आ रहा है, तो सुन जो रियल पार्ट है उसको ई की पावर में लिखते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एंगल में लिखते हैं, तो कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स, सुन ये इसका पी आएगा। देखो यहाँ पे ये बता रखा कि जो अल्फा आएगा वो ई की पावर में आएगा और जो बीटा है वो कहाँ आएगा, सुन एंगल में आएगा राइट। जैसे मैं आपके सामने इसकी बात करता हूँ तो आप देखोगे सुन एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, सुन इसका रियल पार्ट जीरो है राइट, तो रियल पार्ट जीरो है तो इसका जो सी एफ आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन e की पावर जीरो एक्स आएगा, ये आएगा हमारे पास सी वन और एंगल ये वन ही है तो ये एक्स आ जाएगा प्लस सी टू साइन एक्स आएगा, तो सुन ये इसका हमारे पास क्या होगा सी एफ होगा। इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से जब इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे तो आप देख रहे हो सुनिए आएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फाइव और ऊपर होल स्क्वायर है तो ये जीरो हो जाएगा राइट। इसमें सबसे पहले हम इसके रूट निकालते हैं हम क्लियर है, तो हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस चूंकि सीधे सीधे फैक्टर आ नहीं रहा तो ये आएगा, सुन जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी दे रखी है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम है ना प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन माइनस का बी प्लस माइनस है ना क्या आएगा, सुन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू है ना, सीधाचार्य फार्मूला होता वही हम यूज़ करेंगे, सुन यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस टू है तो प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, सुन बी स्क्वायर ये आएगा हमारे पास फोर माइनस का क्या आएगा, सुन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो फोर हमारे पास यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा क्लियर है। डिवाइडेड हमारे पास क्या आएगा टू है, ए हमारे पास वन है ना, आप जानते हो ए वन है बी माइनस टू है सी फाइव है राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो सुनिए आएगा टू प्लस माइनस है, सुनिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस का सिक्सटीन, मतलब ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई टू, इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वन प्लस माइनस टू आयोट आएगा, पर इसमें यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए ये रिपीट कर जाएगा हमारे पास रूट राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है जब स्क्वायर होता है होल स्क्वायर होता है मतलब यहाँ पे रूट्स क्या करते हैं रिपीट करते हैं। अब इसका हम सी एफ लिखेंगे तो सी एफ हमारे पास क्या आएगा वाई इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे आएगा चूंकि हमारे पास रिपीट करे रूट है ना तो ये आएगा ई की पावर जो रियल पार्ट आएगा वो यहाँ रखेंगे, इसमें यहाँ क्या आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स क्या आएगा हमारे पास कॉस टू एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन टू एक्स आएगा, तो सुनिए यार ये हमारे पास क्या आएगा इसका सी एफ आएगा। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी तो इस तरह से यहाँ पे इसका हम सी एफ निकालते हैं राइट। इस नेक्स्ट केस देखिए जब भी हमारे पास रूट जो आ रहा है वो इरेशनल नंबर आ रहा है लाइक अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का आ रहा रूट बीटा टाइप का आ रहा है, तो उस वाले केस में जो अल्फा होगा वो यहाँ पे ई की पावर के साथ आएगा और जो बीटा आएगा वो कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक के साथ आएगा। जैसे अगर आयोटा होता है ना मतलब कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं आता है, जब हमारे पास इरेशनल रूट है तब हाइपरबोलिक आएगा राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है। एग्जांपल देखिए सुन ये हमारे पास आ रहा है एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हो यार एम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम जानते ये आएगा सिक्सटीन माइनस का क्या आएगा सुन फोर ए सी तो ये आएगा हमारे पास फोर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा है ना, तो इसमें एम ये आएगा हमारे पास फोर प्लस माइनस आप देख रहे हो बारह आएगा और बारह में चार इंटू तीन लिख सकते हैं तो टू बाहर ले लीजिए रूट थ्री हो जाएगा है ना, 12 का रूट हमारे पास 2 हो जाएगा, तो सुन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस माइनस रूट थ्री राइट। आप जानते हैं सुन ये हमारे पास एक इरेशनल रूट आ रहा है तो उस वाले केस में इसका जो सी एफ होगा, इसमें कभी कभी कुछ बुक में इसका सी एफ ऐसे भी लिखा होगा सी वन ई की पावर प्लस रूट थ्री एक्स है ना प्लस सी टू ई की पावर टू माइनस रूट थ्री एक्स राइट, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मैंने बताया फार्मूला कि यार क्या आएगा ई की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सुन टू एक्स आ जाएगा राइट एंड ये आएगा सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स राइट। तो यार ये हमारे पास इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा राइट तो आप इस तरह से इसके रूट्स को निकाल सकते हैं मतलब इसके सी एफ को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए ये कमेंट बॉक्स के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि इसका सी एफ क्या होगा,
तो बड़ा इजी है। अभी मैंने बताया उसी कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है कंसेप्ट, और स्टूडेंट इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और स्टूडेंट आपको कितना टाइम लगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट इस टाइप की जो वीडियोज है वो आप ये यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो कि मैंने पूरा जो वीडियोस को मैं अपडेटेड लेके आ रहा हूँ तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सो मेरे जो पुराने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है वो यहाँ जाके देख सकते हैं। मेरा जो नया चैनल है इस पर मैं काफ़ी सारी ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, और इस पर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।